भाभी मुझे फोन करके सुबह सुबह उठा दी, बताओ कोई उठाता है भला। देख लो गाइस मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आप पॉटी करते हुए बच्चे को लेके ट्रैवलिंग करने में बड़ा ये भाभी हम लोग बहुत लेट कर रहे हैं, लगी जाए। हाँ भाई ये बैठ रही है, तो पंडित जी हमारे साथ ही जा रहे हैं। रास्ता जो है देख लो ऊपर में लिखा हुआ भी है, त्रिकुटी पहाड़ प्रवेश द्वार, इधर से आप त्रिकुटी पहाड़ घूमने जा सकते हैं। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। तो सुबह के बज रहे थे 5 और मेरा फेस देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सबसे गुस्साई फिर रही हूँ, बट ऐसा कोई बात नहीं है, एक्चुअली सुबह उठ गई हूँ शायद इसीलिए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे होंगे और इतनी सुबह मुझे भैया भाभी दोनों उठा दिए, वो भी फ़ोन करके बताओ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पूजा करने। ये मैं उठ गई हूँ, अभी तक नहीं उठी है इशू, इसे उठने में अभी भी लगेगा, तब 1 घंटा तो लग ही जाएगी। आज हम सब जा रहे हैं पूजा करने के लिए, नेट जा रहे हैं, देवघर नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ। शिव जी का मंदिर है, शिव जी और पार्वती माँ का, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, भैया भाभी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भैया भाभी अभी तक वहाँ पे जाके पूजा नहीं किए हुए हैं, इसलिए भाभी मुझे फ़ोन करके सुबह सुबह उठा दी, बताओ इतनी सुबह कोई उठाता है भला। खैर कोई नहीं, चलते हैं नीचे, जब तक इशू सोई है तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। तो चलिए जल्दी चलते हैं नीचे, और बहुत सारा काम करना है मुझे, मतलब 7 बजे तक टाइम है और बहुत सारा काम करना है। तो मैं ब्रश कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं भैया का स्लीपर पहन के नीचे आ गई हूँ, तो कुछ देर में तो वैसे भी वो चिल्लाने वाला था, तो सोचा कि चलो उसके चिल्लाने से पहले भाई साहब रख दो। तो देख लो इतनी बड़ी चप्पल, और मैंने पहन लिया था और मुझे पता भी नहीं चला क्या करती, मुझे मेरा स्लीपर ही नहीं मिल रहा था, तो मुझे जो मिला मैंने पहन लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ इशू को। 7:30 बज गया, बताओ 6 बजे उठी थी और 7:30 बज गया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कोई रेडी होने भी चले गए और मैं बैठी हूँ पॉटी के इंतजार में। इसका पॉटी करने का टाइम होता है, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ रहा है कि ये कब पॉटी करेगी, और उसके बाद मैं इसे रेडी करूंगी। और मुझे लगता है जैसे कि मेरा ये काम जो हुआ है ना गाइस, वो सफल हो रहा है, क्योंकि शायद ये पॉटी करने वाली है। मतलब ऐसा कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जिस चीज़ का वेट करो वो और लेट लगाएगी, तो यही हाल हो रहा था इसके साथ भी। मैं सोच रही थी, बैठ रही थी यहाँ कि ये जल्दी से पॉटी करेगी, फिर मैं भी रेडी होंगी, इसे भी मुझे रेडी करना है। देख लो गाइस मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, मतलब कि अच्छा आओ ना मम्मा के पास आओ, तू अब साफ सफाई का टाइम, चलो चलो चलो। फाइनली इसको मैंने रेडी कर लिया और अब मैं जाके आराम से रेडी हो सकती हूँ, बट उसके पहले मम्मी बोली कि थोड़ा चाय बना रही हूँ, चाय पी लो, और आप लोग जानती हो कि मैं कितनी बड़ी चाय लवर हूँ, तो चाय बन रही हो घर में और मैं ना पी हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हुआ क्या चाय मम्मी? मैं भी आ गई हूँ फ्रेश हो गया गाइस, और मिलती हूँ आप लोगों से इस तरह फ्रेश होने के बाद। सो फाइनली गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं है, मेरे बाल गीले हैं, मैं बाल खोल के ही जाऊंगी क्योंकि मेरे बाल गीले हैं और मैं गीला बाल खोल के रख नहीं सकती। ओहो दिखाती हूँ मैं भैया। एंड लो जी भाभी साड़ी वाड़ी पहन के फुल रेडी होके आ गई है। अभी भी हो गई है रेडी और बस मैं भी रेडी हूँ, तो चलिए भाभी एक सेल्फी हो जाए। ये दूध भी मैंने अभी तक नहीं लिया है, ये मम्मी ईशु की दूध को प्लास्टिक में भर रखी है क्योंकि इससे थोड़ा सा निकलता है बॉटल से, इसलिए तो चलो उसको मैंने पिला लिया है। अभी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस मदर को बच्चे को लेके ट्रैवलिंग करने में बड़ा झंझट है गाइस, पता नहीं ईशु चली कहाँ गई है, छोटी नानी के पास गई थी बट पता नहीं, उसने तो मुझे लग रहा है कि अपना ड्रेस भी खराब कर लिया होगा। और उधर भैया तब से बुला रहा था कि जल्दी चलो, और पता नहीं ये दोनों मैडम यहाँ पे क्या कर रही थी दोनों साथ। रेडी करके रखा था सुबह को, ये कितनी अच्छी लग रही थी, और अभी देख लो कैसे हो गई, टी शर्ट में भी कहाँ से तेल लगा, इसे मैंने कब का रेडी कर दिया था, और साथ ही साथ देख लो इतनी देर में इसने क्या कर लिया। भाभी हम लोग बहुत लेट कर रहे हैं, मम्मी आ रही है, मैं चलूं। कहीं पे भी अगर जाना होता है तो मम्मी को 2 दिन पहले से ही रेडी करके रखना पड़ता है, लेकिन पूजा करने बोलो तो उसमें लेट नहीं करेगी मेरी मम्मी।
जा रहे, देखो ना कितना लेट कर रही है ये लोग। मैं आई दोबारा आपके लोगों का, ये मैं कहाँ ले जा रही थी, मैं इसे ले जा रही थी पागल, हाथ में रह गई रखना। नीचे में बिठाएंगे, मैं नहीं बैठने बैठूंगी। अब यहाँ पे मैं और भाभी दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि हम दोनों को किसी को भी बीच में नहीं बैठना है, तो मम्मी को कैसे बीच में बिठाया जाए, तो हमने कैसे भी मम्मी को बीच में बिठा दिया, इसे पीछे बिठा दिया सबसे लास्ट, देखो कैसे है। और ये देख लो ईशू मैडम को, ये तो पहले ही आके कार में बैठ रखी थी, और ये पता नहीं इतनी ज्यादा शांत कैसे आज के दिन थी, ये बहुत एकदम शांति से गाइस ये पीछे बैठी हुई थी, और आगे पापा के पास बहुत सारा सामान था इसलिए आगे नहीं बैठी थी। बहुत खुशी मिल गई है, सब कोई जा रहे हैं मिलके। चलो चलते हैं, लगभग 2 घंटा तो लग ही जाए। हाँ भैया, लगभग कितना लेट लगता है जाने में बासुकीनाथ? नहीं लगता, एक घंटा। हाँ वही, कितना घंटा लगता है? एक से डेढ़ घंटा ना, मतलब अच्छा अगर अच्छा स्पीड में आप जाओ तो। मैं रहती हूँ देवघर में, और देवघर से बासुकीनाथ जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। ये देख लो कैसे ये पीछे बैठ रही है, ये नानी के पास बैठी है, ये पीछे खड़ी हो रखी है। क्या कर रही है वो? जय बाबा कर रही है, हाथ जोड़ के बैठी हुई है। अब आई है, अब ये से पूजा करने लगी है। मैं और ईशु तो यहीं से स्टार्ट हो गई। बोलो बेटा, जय बाबा। ये कौन सा बॉर्डर है? झारखंड सशस्त्र पुलिस। यहाँ पे पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है ना? कैंप है, पुलिस का कैंप। बड़ा एरिया में फैला हुआ है। एक्चुअली पापा के हाथों में बहुत सारा पूजा का सामान है, इसलिए ईशु को हमने आगे नहीं बिठाया, पीछे ही बिठाया। पंडित जी हमारे साथ ही जा रहे हैं। पापा आप तो पक्का पंडा लग रहे हैं एकदम से। पापा, मैं पापा बोलती हूँ तो ईशु भी पीछे से पापा बोलती है। पापा को बताओ, बोल रहे वहाँ मंदिर में पंडित का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा धोती पहन के जा रहा हूँ, पंडित ही लग रहा हूँ वैसे ही। पंडित का काम आप पूरा कर देंगे पापा? हाँ मम्मी भाभी, जाने में अभी भी 1.5 घंटा लगेगा, कैसे थकावट हुई, खाली पेट कैसे लग रहा है आप लोग दोनों? ये रास्ता जो है देख लो, ऊपर में लिखा हुआ भी है त्रिकुटी पहाड़ प्रवेश द्वार, इधर से आप त्रिकुटी पहाड़ घूमने जा सकते हैं। ऐसे हम कुछ दिन पहले भी सोच रहे थे ये त्रिकुट पहाड़ का जो हादसा हुआ है उसके होने के पहले कि हम वहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए, जब तक मैं यहाँ पे मायके में हूँ तब तक हम वहाँ पे एक बार जाएंगे, बट इस हादसे होने के बाद तो हमने वो प्लान ही ड्रॉप कर दिया। फाइनली हम लोग बासुकीनाथ पहुंच चुके हैं, लगभग 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद। एंड यहां पे आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छी अनुभूति, और लगभग मैं आ रही हूं यहां पे 1.5 साल के बाद ही आ रही हूं। फाइनली 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं, और मम्मी को मैंने पहले ही बोला था कि जल्दी रेडी हो, ताकि जाने में थोड़ा लेट होता है। ईशु सो गई है, देखो कैसे पकड़ के मुझे सोई है, अब मुझे इसे उठाना होगा, उसके बाद हम जा सकते हैं। लगा तो गेट तो एक्चुअली मंदिर से थोड़ा सा दूर ही पार्किंग करने का स्पेस था, तो अभी हमें बहुत दूर चल के जाना है, बहुत दूर नहीं कह सकते, थोड़ी दूर। एंड यहाँ पे ईशु को भैया ले लिया है, मैं तो इसे लेके चल नहीं सकती थी, मम्मी भी थक गई थी इसलिए भैया ले लिया है। मंदिर आ नहीं पाई हूँ, पूड़ी कचौड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले बाबा धाम को पूजा कर लेते हैं उसके बाद। एंड एज ऑलवेज भैया भाभी मम्मी पापा सब आगे चले गए, ईशु तक आगे चली गई है, मैं पीछे हूँ। मैं ब्लॉगिंग करते पीछे से जा रही हूँ।
अच्छा चलते जाइए। बासुकीनाथ का ये जो रास्ता देख रहे हो गाइस, पाइप वाला, इसको देख के ही मुझे बचपन की बहुत यादें आ जाती है, क्योंकि बचपन में आती थी तो उस पाइप को पकड़ पकड़ के एकदम मतलब उससे क्रॉस होती थी, तो कुछ यादें हैं उससे भी। तो चलिए आ गए हैं अब हम मंदिर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी आज के दिन, हाँ लेकिन जितना सोचा था उतनी भीड़ नहीं थी, मतलब ठीक था। पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छी खासी भीड़ थी, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा इधर भीड़ हो जाती है। वगैरह सारे मंदिर के अंदर ही मिलते हैं, तो हमने ले लिया है सब चीज। अब हम जाए मंदिर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मंदिर में बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है, मतलब कि आप लाइन में लग के एक एक करके पूजा करने जाओ। तो कुछ कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई हमारे साथ, जो कि मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।